सो हेलो एवरीवन, मस्त हो? आप कैसे हो सभी? आई होप सब मेरे भाई मस्त होंगे। गाइस, इन दिनों सोशल मीडिया एप्स पर कुछ इस तरह का 3D विंग्स नेम वाली फोटो काफी ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है, जो कि आप लोग यहां पर फोटो देख ही सकते हो। और वीडियो को मैंने प्रीव्यू पर आप लोगों को दिखला दिया है, कैसे आप लोग इस तरह का फोटो प्लस वीडियो बना सकते हो, वही आज के इस न्यू वीडियो के अंदर बतलाने वाला हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज वीडियो को लास्ट जरूर देखते रहिएगा। तो चले बिना देरी करते हैं वीडियो को, लेट्स गेट स्टार्ट। ओके, सो एवरीवन, सबसे पहले गाइज आप सभी को यहां पर क्या करना है, अपने फ़ोन के अंदर आप लोग को गूगल को यहां पर सिंपली से ओपन कर लेना है। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, अपने फ़ोन के अंदर सिंपली से गूगल को ओपन कर लेता हूं इस तरह से। एंड अब यहां पर क्या करना है, सर्च बॉक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहां पर क्या करना है, RAZZSUMAN करके आप लोग को यहाँ पर सर्च करना है। सर्च करते ही कुछ ऐसा आप लोग के सामने ऑप्शन यहां पर खुल के आ जाएगा। तो यहां पर जो फर्स्ट में लिखा है राजसुमन फोटोग्राफी, देख सकते हो, यहां पर मार्क करके दिखलाता हूं। तो इसी वाला ऑप्शन पर यहां पर क्लिक करना है कुछ इस तरह से। तो राजसुमन फोटोग्राफी पर क्लिक करते ही कुछ ऐसा आप लोग के सामने ऑप्शन खुल के आ जाएगा। तो अगर आप लोग के सामने ये वाला पोस्ट शो होता है तो आप लोग को यहाँ पर क्या करना है, इस वाले पोस्ट के ऊपर क्लिक करना है। और अगर यहाँ पर नहीं शो होता है तो ऊपर में आप लोग को सर्च का एक ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि देख सकते हो यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन है, इसी ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करना है। और अब यहाँ पर क्या करना है, NEON और WINGS यहाँ पर करके सिंपली से सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है इस तरह से। तो 100% आप लोग के सामने ये वाला पोस्ट शो हो जाएगा। तो अभी आप लोग को यहाँ पर क्या करना है, इस वाले पोस्ट के ऊपर क्लिक करना है इस तरह से। एंड अब यहाँ पर क्या करना है, इसको आप लोग कुछ इस टाइप से नीचे की ओर यहाँ पर स्क्रॉल करना है, सबसे नीचे की ओर यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर आप लोग को क्रिएट योर इमेज का एक बटन देखने को मिलेगा रेड कलर का, जो कि देख सकते हो। बट इस पर यहाँ पर क्लिक करने से पहले आप लोग को यहाँ पर क्या करना है, इस वाले टेक्स्ट को यहाँ पर कॉपी करना है। अगर कॉपी होता है यहाँ पर ये वाला टेक्स्ट, जो कि देख सकते हो, अगर यहाँ पर ये कॉपी होता है तो इसको कॉपी कर लेना है। और अगर कॉपी नहीं होता है तो आप लोग यहाँ पर इसको स्क्रीनशॉट लेके गूगल ट्रांसलेट में जाकर कॉपी कर सकते हो। तो मैंने पहले से ही इसको कॉपी करके रखा हुआ है। यहाँ पर क्या करता हूँ, सिंपली नीचे में क्रिएट योर इमेज के ऑप्शन पर मैं क्लिक करता हूँ कुछ इस तरह से। क्रिएट योर इमेज के ऑप्शन पर क्लिक करते ही कुछ ऐसा आप लोग के सामने ऑप्शन यहाँ पर खुल के आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, बगल में जो थ्री डॉट दिख रहा है, देख सकते हो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन, इसी ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करना है। और सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, इसको अपने जीमेल आईडी से लॉगिन कर लेना है, क्योंकि बिना लॉगिन के हुए आप लोग यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते हो। लॉगिन कैसे करना है ये जानने के लिए आप लोग यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हो, बहुत सारे आप लोग को वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो लॉगिन करने के बाद अब आप सभी को यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर एक सर्च का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो इसी वाले सर्च बॉक्स के ऑप्शन पर टैप करके यहाँ पर इसको प्रेस करना है और यहाँ पर सिंपली से इसको पेस्ट कर देना है। तो पेस्ट करने के बाद अब आप सभी को यहाँ पर क्या करना है, इसको नीचे की ओर करना है। तो यहाँ पर एक योर नेम से ऑप्शन देखने को मिलेगा, देख सकते हो। तो इसको यहाँ पर डिलीट करना है इस तरह से, और यहाँ पर अपने नेम को यहाँ पर लिख लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अपने नेम को लिखता हूँ RAZZ और SUMAN करके यहाँ पर लिखता हूँ। और जो कलर में आप लोग को यहाँ पर नियोन चाहिए, यानी कि नियोन कलर, उसको भी आप लोग यहाँ पर चेंज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर येलो कलर लिखा है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, येलो कलर बना के दिखलाता हूँ। तो टेक्स्ट को लिखने के बाद अब आप सभी को यहाँ पर क्या करना है, सिंपली से यहाँ पर क्रिएट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पर क्रिएट के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और कुछ सेकेंड यहाँ पर आप लोग को वेट करना है। तो कुछ सेकंड यहाँ पर वेट करता ही आप लोग के सामने चार फोटो यहाँ पर शो कर देगा, देख सकते हो। तो इनमें से जो फोटो आप लोग को पसंद आता है उस फोटो को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, फर्स्ट वाले ही फोटो को सिलेक्ट करता हूँ। और यहाँ पर बैकग्राउंड के अंदर जो आप लोग कलर को देख रहे हो, येलो कलर यानी कि नियोन कलर को देख रहे हो, उसको आप लोग चेंज भी कर सकते हो, जो कि मैंने आप लोग को यहाँ पर बतला दिया था कैसे करना है। जहाँ पर येलो कलर लिखा था उसको यहाँ पर चेंज करके कोई सा भी कलर यहाँ पर दे सकते हो। तो अब यहाँ पर क्या करना है, इस वाले फोटो को डाउनलोड करना है। तो फोटो को डाउनलोड करने के लिए यहाँ नीचे में थ्री डॉट के ऑप्शन पर क्लिक करना है कुछ इस टाइप से, और यहाँ पर सिंपल से डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस वाले फोटो को यहाँ पर सेव करना है। सेव कर लेने के बाद अब आप सभी को यहाँ पर क्या करना है, अपने फ़ोन के अंदर पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन करना है। एंड अब यहाँ पर क्या करना है, नीचे में प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट ए फोटो वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है, और जो फोटो अभी डाउनलोड किए हैं उसी वाले फ़ोटो को यहाँ पर ऐड करना है इस तरह से। और अब यहाँ पर नीचे में आप लोग को फिट के नाम से एक टूल देखने को मिलता है, जो कि मार्क करके यहाँ पर दिखलाता हूँ। देख सकते हो यहाँ पर जो ये टूल है, इसी वाले टूल के ऊपर यहाँ पर क्लिक करना है।
एंड अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर इंस्टाग्राम स्टोरी के नाम से एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो इस वाले स्टोरी वाला ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करना है और नीचे में आप लोग को इमेज के नाम से एक ऑप्शन मिलेगा, तो इस वाले इमेज के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर जो फर्स्ट में फोटो दिख रहा है देख सकते हो यहाँ पर ये वाला फोटो, इसी वाले फोटो पर यहाँ पर क्लिक करना है। तो अब जितना इसके बैकग्राउंड को ब्लर करना है उतना यहाँ पर इसके अमाउंट को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लेना है और ऊपर में डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करके इस वाले फोटो को सिंपली से सेव कर लेना है। तो अब मैं यहाँ पर बतलाता हूँ कैसे आप लोग वीडियो बना सकते हो। तो वीडियो को बनाने से पहले आप सभी को यहाँ पर क्या करना है, अपने फ़ोन के अंदर कोई सा भी एक VPN को यहाँ पर कनेक्ट कराना है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इस वाले VPN को ओपन करता हूँ जिसका नेम यहाँ पर सुपर VPN है, और इसको यहाँ पर ओपन करके सिंगापुर या जर्मनी सर्वर से यहाँ पर इसको कनेक्ट कराता हूँ। तो कनेक्ट कराने के बाद अब आप सभी को यहाँ पर क्या करना है, वही वाले वेबसाइट के अंदर आना है, रिसेंट वाला ऑप्शन पर क्लिक करके जो हम लोग फर्स्ट में ओपन किए थे राजसुमन फोटोग्राफी के नेम से, एंड यहाँ पर क्या करना है इसको नीचे की ओर करोगे तो यहाँ पर एक यूज टेम्पलेट इन कैपकट के नाम से ऑप्शन देखने को मिलेगा रेड कलर का, तो इसी वाला ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करना है। तो क्लिक करते ही कुछ ऐसा आप लोग के सामने ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या करना है, नीचे में जो यूज टेम्पलेट के नाम से ऑप्शन दिया गया है इसी वाले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करना है कुछ इस तरह से, और यहाँ पर क्या करना है फोटोज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके जो फोटो को हम लोग पिक्सार्ट के अंदर सेव किए थे उस वाले फोटो को यहाँ पर सिंपली सिलेक्ट करना है इस तरह से, एंड यहाँ पर क्या करना है नीचे में प्रीव्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो प्रीव्यू के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपका मतलब यहाँ पर वीडियो भी बन के रेडी हो जाएगा, और इसमें आप लोग सॉन्ग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर लगा लीजिएगा। और वीडियो को यहाँ पर सेव करने के लिए सिंपली एक्सपोर्ट के ऑप्शन पर टैप करना है इस तरह से, और एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्क के ऑप्शन पर क्लिक करके वीडियो को यहाँ पर सेव करना है।